तो गाइस हम उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है और आज भी काम है। ओ अनिला आने लगी है, निब्रा आने लगी है, मेरी मम्मी भाई जाने लगी है कुछ तो सामान लेने। और क्या कहूँ मैं यार, देखते हैं आज क्या क्या रूटीन रहती है, क्या क्या होता नाश्ता लेने है। तो जाना ही है इतने बाहर, नाश्ता नाश्ता चला क्या लगी है। देखो नीला लाती है कि नहीं, देखो नीला लाती है कि नहीं। पराठा परोठा बनवाए भी खाए। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ पेंट की बाल्टी लेने, थोड़ा सा पेंट रह गया था और घर आंटी को बुलाया है, थोड़ा सा काम करवाना था और नीला भी कर रही है, इतने दिनों से काम ही कर रहे थे तो खैर पेंट जहाँ जहाँ रहता है वो करवाना है। और इसके अलावा थोड़ा मेरा डोर का वर्क है, उसके फ्लैक्स बनने के लिए देनी है, तो अब देखते हैं पेंट की बाल्टी मिलती है कि नहीं। हमने कहा था लो सफ़र शुरू हुआ, लेकिन सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि इस घर का गंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हेल्पर भी हेल्प करने से इनकार कर रही थी। जो ही वो इस घर में एंटर होती कचरा देखती और बोलती कि नहीं भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हमने हिम्मत करके कुछ कुछ सारा गंद जो है हर पोर्शन से निकाल दिया। और ये इन्होंने अपनी दीवारों पर जो है रोटियाँ और सालन डाले थे जो कि जम के पत्थर हो चुके थे। हीरा ने उनको बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है उतारा। फिर हमने बहुत अच्छे से यम ऐसा फूड खाया। चीज़ सीख हमने मंगवा ली तो उसकी जो है 5 पीसेस से हमने एक एक करके सबने खा लिया और बहुत ही यमी था ये। लुक वाइज भी आपको बहुत डिलीशियस लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड पोर्शन पे आ गए थे। खाना पहले खा लिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पेट पूजा कर ली। और यहाँ पर सेकंड पोर्शन पे भी यही हाल था, कचरा ही कचरा था। ये यहाँ पर वॉशरूम का सारा सामान आ चुका था वॉशरूम क्लीनिंग करने के लिए। तो ऑलमोस्ट जाले वगैरह पूरे उतर चुके हैं पूरे रूम के और मैंने ये सारे इसमें जो है डस्ट वाला कर दिया है। इसके बाद हम वेट स्पंज से साफ करेंगे सारी कबर्ड्स को, तो जो है इनका ओरिजिनल कलर जो है वो दिखने को मिलेगा। मीन्स अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना चीपड़ियाँ लगी हुई है, चीपड़ियाँ। डोर क्लीन होंगे सारे, सारा फ्लोर क्लीन होगा, ऊपर से भी सारी छत जो क्लीन हो चुकी है। और ये सेल्स भी साफ हो गई थी, ये कैबिनेट सारे मम्मी ने कर दिए थे, वो वाले कैबिन होने वाले हैं जो मेरे से 3-4 रह गए, ये मम्मी कर गई थी, वो वाले मैंने कर दिए थे। बस ये 3-4 हैं। अब थकावट बहुत हो गई, फ्लोर फिर से वॉश वाला रह गया सिस्टम, वो कलर बंटी है। ओके कल अंटियाँ आएंगी वो करेंगी, ये उनका सामान है, देखिए उनकी वजह से हमारा सामान भी बिखरा होगा। ये वाले कैबिन रह गए, ये वाले कैबिन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने नीचे उतार के रख दिया इनका सारा पन पोस रहा हो, इसलिए कि हमें सफाई करने में बहुत हो रही थी दिक्कत। सो इधर आ चुकी थी मेरी दराज से ऑर्डर, मैंने करवाया था AIS सैलून के नेम से मूनलाइट को ऑर्डर, और हम बड़े चस्के लेके देख रहे हैं, चस्के आ गए थे, चस्के मज़ा ही आ गया था, बड़ी अच्छी लाइट आई है गाइज। इसको लगा के भी दिखाते हैं और यहाँ इसको घुसते हुए ये जा ही नहीं रहा था अंदर। सो गाइज आप देख सकते हैं इधर पेंट शेंट हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सिस्टम हो गया ये रूम है। आपने हमारे पुराने व्लॉग में देखा होगा रूम का हाल, बेहाल था। इधर हमने मिरर वगैरह रखे हैं, अब इधर की भी सेटिंग करनी है। सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी है, वो ही उड़ गई इधर से बाहर का नज़ारा। गंद को अवॉइड करें, सो ये देखें कितना प्यारा साफ किया है ये एरिया, नीला ने सारा साफ किया है। तो कैबिन्स भी हो गए हैं, अलमारी भी हो गई है, ये देखें रूफ की जाती हुई सीढ़ियाँ, ऑल ओवर क्लीनिंग कंप्लीटेड। यस
आप बताइए, ये वही घर है जो आपने हमारे वीडियोस में देखा था? इतना गंदा घर था, इसको हमने अच्छा अच्छा कर दिया, सफाई की है बहुत ज़्यादा सफाई। ये हमारी शीरी है, शीरी है भी शीरी है, ये कंपोर्ट उतार के रखा था इन्होंने। सो थैंक गॉड इट इज कम्प्लीटेड। मैं जाऊंगी रूफ पे थोड़ी देर। ये आवाज़ आ रही है, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आज जैसे कि आपको पता है पॉलर शिफ्ट किया है, कलर करवाने वाला है हेयर्स पे। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह से। छत पे आ चुकी हूँ गाइस, हवा चेक कर सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल है। अब हम 14 अगस्त के लिए इधर झंडे शंडे भी लगा सकते हैं, पहले हमें छत तो नहीं मिली थी तो झंडे शंडे नहीं लगा सके। उधर लेडीज खड़ी हैं, सो आप देख सकते हैं काइट्स। इधर पतंगबाजी बहुत अच्छी हो सकती है गाइस, बहुत मज़े की। और ये आप देखें, इतना गंद इन्होंने बंद किया हो इधर से, तो लोग इर्द गिर्द वाले गंद फेंकते होते थे जो पहले थे ना, अब हम तो नहीं फेंकेंगे। बिकॉज हमें खुद सफाई बहुत पसंद है, हम अपनी जगह भी साफ रखते हैं और दूसरों की भी। शो मजे। तो हमारे घर में जो अंकल मुंशी रहते थे वो लक्स के साथ नहाते थे और अपना जो है वो माल इसमें जमा करते रहे हैं, जो इस साइड कैबिन्स हैं जो कि निमी अब क्लीन करने वाली है। और मैं आपको बताती चलूं कि ये जो क्राइपर्स हैं, ये हमें जगह जगह ऐसे बहुत सारे इस पूरे घर में देखने को मिले हैं जो कि हम फेंक चुके हैं ऑलरेडी। हीरा आपका क्या तासुरात है इसमें? बहुत गंदे, क्योंकि मुझे कटने पड़ रहे। सो अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ओके ओके बाय। तो अगेन मोटर का मसला हो गया था, न्यू घर है अभी, इधर बड़ा कुछ निकल आया, बड़ा मरमते शरमते करवानी पड़ी, बहुत कुछ करवाना पड़ा, मोटर भी ठीक करवानी पड़ी और एक मोटर वैसे ही ख़राब है। और खाना आ चुका था बिंदिया और गिया, आज आप भी खा ले, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।